निकाय और पंचायत चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट याचिका लगा सकती है, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। इधर याचिका लगाए जाने की तैयारी पर स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट जाने का अधिकार सबको है, अप्रत्यक्ष चुनाव में कोई व्यवधान नहीं है, पहले भी यही व्यवस्था थी, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते रहे हैं। वही धान खरीदी के परिपत्र पर सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी किसानों को गुमराह कर रही है, किसानों को 2500 रुपए सरकार देगी, पेमेंट दो अलग अलग प्रक्रिया से होती है, बोनस और एमएसपी का पेमेंट अलग अलग होता है, धान का बोनस अलग से सोसाइटी के खाते में जाता है, ये प्रक्रिया बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है, धोखा देने की बात कहने वालों ने 15 साल धोखा दिया है। तो सेंट्रल पूल का पैसा या जो धान खरीदी का पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य में आता है वो अलग हेड से आएगा, और जो बोनस का पैसा वो अलग हेड से आएगा। आपने भी देखा होगा कि हर बार जब भी बोनस का पैसा सोसाइटियों में गया है तो पृथक से बोनस का पैसा गया है, कभी भी एमएसपी के हिसाब से बोनस का पैसा आज तक नहीं गया है। ये धोखा देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे होता है पेमेंट, आप नहीं जानते। नहीं, विपक्ष दे रहा है, स्वाभाविक है कि विपक्ष दे रहा है, क्योंकि वो 15 साल तक उन्होंने चलाया और उन्होंने भी बोनस दिया, तो बोनस कैसे देते हैं उनको मालूम है।